बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मदिया इलियास, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट वर्किंग एज रजिस्ट्रार इन कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल। टुडे आई ब्रॉट यू द मच अवेटेड ईसीजी लेक्चर्स, जो कि मुझे बहुत से बच्चों ने कहा था कि इसको इसकी वीडियो या तो हमें बनाने दें या फिर अपलोड कर दें। सो फाइनली वी आर हेयर विद द ईसीजी लेक्चर, after which you will be able to interpret at least normal ECG, and I will try my best to convey it as easier as possible. So first of all, ECG leads ki baat karte hain ki what are ECG leads. ECG leads are the set of electrodes which are connected on one side with the body surface and to the machine on the other side. जैसे एक सर्किट कंप्लीट करना होता है तो सर्किट का एक एंड हमारी बॉडी सरफेस बनती है और दूसरा एंड ईसीजी मशीन बनती है, और इस तरह सर्किट के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो ईसीजी मशीन रिकॉर्ड करती है। हमारे पास 6 चेस्ट लीड्स होती है जो कि चेस्ट पे लगाई जाती हैं, V1 से V6 तक हम उनको लेबल करते हैं, और 6 ही हमारी लिंब लीड्स होती हैं। एक्चुअली 4 लिंब लीड्स होती हैं, लेकिन जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी कि वो 6 कैसे हो जाती हैं। ठीक है जी, जो चेस्ट लीड्स हैं वो हम कहाँ कहाँ लगाते हैं, डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा कि जो V1 है हमने 4th इंटरकोस्टल स्पेस राइट पैरास्टर्नल बॉर्डर में लगानी है, V2 4th इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर, और उसके बाद हमने V4 लगानी है जो कि मिड क्लेविकुलर लाइन में 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे लगानी है, और फिर V2 और V4 के दरमियान में V3 को हम प्लेस करेंगे। V5 हम लगाएंगे 5th इंटरकोस्टल स्पेस में एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे, और V6 लगेगी 5th इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन। तो जो V4, V5, V6 हैं ये सारी हमारी 5th इंटरकोस्टल स्पेस में लग रही हैं, और V1, V2 4th इंटरकोस्टल स्पेस में, और इन दोनों के दरमियान में लग जाएगी V3। अच्छा जी, लिंब लीड्स का मैंने आपको बताया कि 6 लिंब लीड्स ईसीजी पे आती हैं, लेकिन हमारे 4 लिंब्स हैं, तो जो लीड्स हैं वो 4 ही अटैच होती हैं, एक राइट आर्म पे, एक लेफ्ट आर्म पे, एक लेफ्ट लेग पे, और जो राइट लेग पे लगाई जाती है वो न्यूट्रल लीड होती है। तो जो बॉडी सरफेस के ऊपर लिंब लीड्स लगाई जाती हैं वो लीड 1, 2 और लीड 3 होती हैं, और इन्हीं लीड्स की फिर एक ऑगमेंटेड लीड्स जनरेट होती हैं जिसको हम ऑगमेंटेड वेक्टर राइट या AVR, ऑगमेंटेड वेक्टर लेफ्ट या AVL एंड ऑगमेंटेड वेक्टर फोट या AVF कहते हैं। ये जो लिंब लीड्स AVR, AVL और AVF हैं ये यूनिपोलर लीड्स होती हैं, और जो लीड 1, 2 और 3 हैं वो हमारी बाइपोलर लीड्स होती हैं। अच्छा जी, इन लीड्स का मकसद क्या है? एक्चुअली ये जो सेट ऑफ लीड्स हैं वो एक हार्ट की स्पेसिफिक वॉल को देख रही होती हैं। लाइक V1, V2 स्पेसिफिकली सेप्टम को देख रही होंगी, जो भी एबनॉर्मेलिटी सेप्टम में आएगी तो वो ECG पे V1 और V2 के अंदर डिस्प्ले होगी। V3, V4 इंटीरियर वॉल को देख रही होती हैं, और V5, V6 लोअर लैटरल वॉल ऑफ हार्ट को देख रही होती हैं। लाइकवाइज 2, 3 AVF हार्ट की इंफीरियर वॉल को देखती हैं, 1 AVL अपर लैटरल वॉल को देखती है, और AVR एक्चुअली RA कैविटी को देख रही होती है, और इसकी कोई एबनॉर्मेलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें शो नहीं होती। तो ये तो आपको समझ आ गई होगी, जो ग्रुप ऑफ लीड्स हैं लाइक V1 से V4 के अंदर अगर एबनॉर्मेलिटी आ रही है तो हमें पता है कि ये एंटीरो सेप्टम वॉल ऑफ हार्ट को फोकस कर रही है, तो एंटीरियर सेप्टल वॉल ऑफ हार्ट में कोई इशू आ रहा है। लाइकवाइज 1 AVL और V5 V6 के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी आती है तो हमें पता चल जाता है कि ये हार्ट की लैटरल वॉल में मसला हो रहा है। सिमिलरली 2, 3 AVF में जो भी चेंजेस हैं वो हमें डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि हार्ट की इंफीरियर वॉल के अंदर कोई इशू है। अच्छा जी, फिर ECG पेपर की बात करें तो ECG का जो पेपर है उसके अंदर कुछ डार्क लाइंस के बड़े स्क्वायर्स होते हैं और उसके अंदर 5 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं। तो जो एक लार्ज स्क्वायर होता है उसमें जो 5 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं, तो पहले स्मॉल स्क्वायर की बात करते हैं। एक स्मॉल स्क्वायर 0.04 सेकेंड्स का होता है,
या इसको मिलीसेकंड में कन्वर्ट करें तो 40 मिलीसेकंड का होता है, और अगर इसकी लेंथ की बात करें तो ये 1 मिलीमीटर का होता है, और अगर इसकी हाइट की बात करें तो ये 0.1 मिली वोल्ट का होता है। तो इन सारी कैलिब्रेशन को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लार्ज स्केयर की कैलिब्रेशन आ जाएंगी। लाइक एक लार्ज स्केयर 0.2 सेकेंड का होता है, या फिर 200 मिली सेकेंड का होता है, या फिर 5 मिलीमीटर अकॉर्डिंग टू लेंथ, या फिर 0.5 मिली वोल्ट का होता है। ठीक है जी, ये कैलिब्रेशन हमने याद करनी होती है। अच्छा जी, ईसीजी जब भी आपने देखनी है, आपने देखना है कि पहले कि उसकी कैलिब्रेशन क्या है। कुछ स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन हैं जिसके ऊपर ईसीजी को करना चाहिए, बिकॉज अगर उन कैलिब्रेशन से नहीं करेंगे तो हमारी ईसीजी की इंटरप्रिटेशन गलत हो सकती है या चेंज हो सकती है। तो स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन क्या है, स्पीड 25 मिलीमीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, यानी कि पेपर विल ट्रेवल एट डिस्टेंस ऑफ 25 मिलीमीटर इन 1 सेकेंड, और ये स्पीड ईसीजी के नीचे लिखी हुई होती है। लाइकवाइज जो वोल्टेज है जो वर्टिकल एक्सिस में कैलकुलेट होता है वो 10 मिलीमीटर पर मिली वोल्ट का होना चाहिए, यानी कि जो QRS कम्प्लेक्सेस आपके ईसीजी के ऊपर आएंगे उनकी हाइट 10 मिलीमीटर नॉर्मल हाइट के अकॉर्डिंगली आनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा के वो हाइट शो करेंगे तो वो हाई वोल्टेज हम उनको कह देंगे, और अगर इससे कम की वोल्टेज कम हाइट होगी 10 मिलीमीटर से तो हम कह देंगे कि ये लो वोल्टेज QRS कम्प्लेक्सेस है। ठीक है, तो आपने कैलिब्रेशन जरूर देखनी है जब भी ईसीजी को इंटरप्रेट करना है। चलें जी, अब हम आते हैं ईसीजी एक्चुअली है क्या। ईसीजी एब्रीवेशन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मीन इट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। नाउ वी शुड नो व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। Actually, depolarization and repolarization are the electrical activities of the heart, जिसके नतीजे में contraction and relaxation होती हैं। ECG पे आपने most of the time तो सुन ही लिया होगा और आपके जहन में होगा कि जो P wave है वो atrial depolarization को show करती है, QRS complex ventricular depolarization को show करती है, और T wave ventricular repolarization को show करती है। जो एट्रियल रीपोलराइजेशन है वो होती है, लेकिन उसकी छोटी सी सटल सी वेव होती है जो कि QRS कम्प्लेक्स के अंदर ही मर्ज हो जाती है, इसलिए हमें ECG के ऊपर नजर नहीं आती। ठीक है जी, तो जब आप ECG पढ़ोगे या किसी को बताओगे तो ये नहीं बताएंगे कि पी वेव वेंट्रिकुलर या एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन को शो कर रही है या QRS कम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन को शो कर रहा है। कीप इन द माइंड ECG इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कैलकुलेट कर रही है या मैयर कर रही है, जो कि डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन है। जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है वो आपकी मैकेनिकल एक्टिविटीज है, ECG उसको रिकॉर्ड नहीं कर रही। ठीक है, अच्छा जी, एक और चीज अपने जहन में रख लें कि ECG या जब भी करंट फ्लो करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ तो ECG के ऊपर पॉजिटिव वेव जनरेट होगी, और जब करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से अवे या नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव पोल की तरफ, तो नेगेटिव वेव जनरेट होगी ECG पे। नेगेटिव वेव मींस के बेस लाइन से नीचे होगी वेव, और अगर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो ECG के ऊपर एक आइसोइलेक्ट्रिक लाइन आएगी। ठीक है, तो SA नोड है वो हमारा मोस्ट नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है, वहां से करंट फ्लो करता है टूवर्ड्स एपिक्स ऑफ हार्ट। तो जो एक्सिस हमारा बनता है वो हार्ट की एपिक्स की तरफ बनता है, तो जब करंट ऐसे नोड से एपिक्स ऑफ हार्ट की तरफ फ्लो करेगा तो हमारे पास पॉजिटिव वेव आएगी, और जब एपिक्स से टुवर्ड्स ऐसे नोड मूव करेगा तो हमारे पास नेगेटिव वेव आएगी ECG की। तो यहाँ पे है हमारे पास PQRST, जो फर्स्ट पॉजिटिव वेव होती है ECG के ऊपर उसको हम पी वेव कहते हैं, जो फर्स्ट नेगेटिव वेव होती है ECG पे उसे हम क्यू वेव कहते हैं, और सेकंड पॉजिटिव वेव ECG पे वो आर वेव होती है, और आर वेव के बाद जो भी नेगेटिव वेव होगी वो एस वेव होगी, और उसके बाद आ जाती है टी वेव। अच्छा जी, अब हम वेव बाय वेव आपको बताएंगे कि ये जनरेट कैसे होती है। पी वेव कैसे जनरेट होती है, हमने पहले देख लिया कि पी वेव इज ड्यू टू एट्रियल डीपोलराइजेशन, जब ऐसे नोड से करंट एट्रिया को डीपोलराइज करते हुए एवी नोड की तरफ आता है
तो उससे जो वेव जनरेट होती है दैट इज पी वेव। पी वेव की जो नॉर्मल हाइट होती है वो 2.5 स्मॉल स्केयर्स होती है, और जो उसकी वर्थ होती है वो भी 2.5 स्मॉल स्केयर्स होती है। ठीक है जी। एशिया की डिपोलराइजेशन के बाद करंट आता है एवी नोड के पास, जो कि हमने ग्रीन से लेबल किया हुआ है। एवी नोड के अंदर नॉर्मली थोड़ा सा डिले होता है करंट के फ्लो में। वो क्यों होता है? इसलिए कि एवी नोड के अंदर जो सेल्स हैं वो बहुत ही कंपैक्टेड फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं, प्लस इसके सेल्स के आपस में जो गैप जंक्शन होते हैं जिससे करंट ने एक सेल से दूसरे सेल में ट्रेवल करना होता है, उनका नंबर एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंडक्शन सिस्टम कम होता है। तो जब भी करंट एवी नोड से पास करेगा उसकी स्पीड स्लो होगी, और ये क्यों जरूरी है? ताकि एट्रिया की कॉन्ट्रेक्शन से पहले वेंट्रिकल्स एम्प्टी हो जाएं, तो उसमें जो टाइम लगता है वो करंट एवी नोड के अंदर से पास होने में गुजार देता है। अब ईसीजी के ऊपर एवी नोड से जो करंट गुजरता है वो शो होता है पी आर सेगमेंट से, जो कि पी के एंड से शुरू होता है और क्यू आर एस के कम्प्लेक्स से पहले तक होता है, जो कि ग्रीन ब्लॉक से आपको नजर आ रहा होगा। तो पी आर सेगमेंट एक फ्लैट लाइन है, और हमने कहा कि फ्लैट लाइन ईसीजी पे तब आएगी जब कोई करंट फ्लो नहीं होगा, जबकि एवी नोड के अंदर तो करंट फ्लो हो रहा है, ऑल्दो बहुत स्लोली हो रहा है। एक्चुअली एवी नोड एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जब करंट फ्लो होता है तो वो इतनी सटल सी एक्टिविटी होती है कि वो बॉडी सरफेस तक रिकॉर्ड ही नहीं होती। और ईसीजी में तो बॉडी सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल करंट पहुंचते हैं वो रिकॉर्ड हो रही होती है। इसलिए जो पी आर सेगमेंट या एवी नोड के अंदर से जो करंट फ्लो होता है वो आपका पी आर सेगमेंट या आइसो इलेक्ट्रिक लाइन से ईसीजी पे शो होता है। ठीक है। देन कम्स क्यू आर एस कम्प्लेक्स। क्यू आर एस कम्प्लेक्स किस चीज को शो करता है? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को शो करता है। इसकी जो नॉर्मल विड्थ है वो 0.12 सेकेंड है या 3 स्मॉल स्केयर्स है। अगर इससे ज्यादा क्यू आर एस कम्प्लेक्स ब्रॉड होगा तो वो एबनॉर्मल होगा। अब ये जनरेट कैसे होता है? जब इम्पल्स एवी नोड से बंडल ऑफ हिस्स में जाती है, देन लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड राइट बंडल ब्रांच के थ्रू एवी जो वेंट्रिकल है उसको डीपोलराइज करती है। तो सबसे पहले जो चीज डीपोलराइज होती है वो वेंट्रिकल का सेप्टम होता है, और सेप्टम ने डीपोलराइज होना होता है लेफ्ट बंडल ब्रांच से, इसलिए उसकी जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स नेगेटिव होती है या अवे फ्रॉम पॉजिटिव होती है। तो हमारे पास ईसीजी के ऊपर एक नेगेटिव वेव जनरेट होती है जिसको हम क्यू वेव कहते हैं। सेप्टम के अंदर थोड़े से मायोसाइट्स होते हैं, छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए क्यू वेव भी छोटी सी जनरेट होती है। उसके बाद जो दोनों बंडल्स हैं वो वेंट्रिकल की मेजर पार्ट को डीपोलराइज करते हैं, जो कि पर्पल कलर से शो हो रहा है। जब मेजर पार्ट ऑफ वेंट्रिकल डीपोलराइज होता है तो उससे उसकी चूंकि फ्लो ऑफ करंट इज टूवर्ड्स पॉजिटिव, तो हमारे पास आर वेव जनरेट होती है। एंड इन द एंड जो वेंट्रिकल की बेस है जहाँ पर मिट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व है उसने डीपोलराइज होना है, तो उसमें करंट की डायरेक्शन टूवर्ड्स नेगेटिव होगी या अवे फ्रॉम पॉजिटिव होगी, तो हमारे पास क्यू आर एस कम्प्लेक्स जनरेट होगा। अच्छा जी, क्यू आर एस कम्प्लेक्स हमने देख लिया, दैट वॉज ड्यू टू वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। उसके बाद आता है एस टी सेगमेंट, जो कि ग्रीन कलर से मैंने शो किया है। एस टी सेगमेंट एक आइसो इलेक्ट्रिक लाइन होती है, इसका मतलब है कि इस दौरान कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। अब होता क्या है कि क्यू आर एस कम्प्लेक्स जब जनरेट होता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के बाद की वजह से, तो सारे के सारे जो सेल्स हैं वो डीपोलराइज होते हैं, यानी उन सब के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब डीपोलराइजेशन के बाद होती है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो वो जब सारे के सारे सेल्स पॉजिटिवली चार्ज हैं, कोई हमारे पास डिफरेंस ऑफ चार्ज नहीं है, तो करंट कैसे फ्लो करेगा? करंट फ्लो ही नहीं करता फॉर दैट लिटिल टाइम,
या अगर आप उसको उस पे देखोगे जो एक्शन पोटेंशियल वाली डायग्राम होती है उसके अंदर एक प्लेटू फेज होती है जिसके अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा होता या स्टैटिक होता है, तो दैट फेज इज शोन ऑन ईसीडी विद एसटी सेगमेंट। ठीक है जी, एसटी सेगमेंट के बाद आती है टी वेव जो के पर्पल कलर से मैंने शो की है। अब टी वेव क्या शो करती है? टी वेव शोज वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। पहले इसकी नॉर्मल मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं कि लिम्ब लीड्स के अंदर अगर लेस देन 5 मिलीमीटर टॉल होगी तो ये नॉर्मल होगी, और चेस्ट लीड्स के अंदर अगर लेस देन 10 मिलीमीटर टॉल है तो हम इसको नॉर्मल कहेंगे। ये तमाम लीड्स के अंदर पॉजिटिव होती है इन नॉर्मल कंडीशंस, एक्सेप्ट इन लीड AVR एंड V1। अच्छा जी, बात अक्सर सवाल ये जहन में आता है कि QRS कम्प्लेक्स जो डीपोलराइजेशन है वो तो पॉजिटिव उसका कम्प्लेक्स बन रहा है, तो रीपोलराइजेशन की डायरेक्शन तो दूसरी साइड पे होनी चाहिए, तो टी वेव शुड बी नेगेटिव इन नॉर्मल केसेस। व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि जब डीपोलराइजेशन होती है वो एंडोकार्डियम से पेरिकार्डियम की तरफ होती है या एपिकार्डियम की तरफ होती है, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ होती है, उसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। जब रीपोलराइजेशन होती है उसके अंदर एक्चुअली वो स्टार्ट होती है फ्रॉम एपिकार्डियम एंड मूव टूवर्ड्स एंडोकार्डियम, दैट इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव आयन। तो रिपोलराइजेशन का जो करंट होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो जब नेगेटिव चार्ज फ्लोस टूवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड तो वेव हमारे पास कौन सी जनरेट होगी? पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, ऐसा होता क्यों है कि जब वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन होती है तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी जो एंडोकार्डियम है वहां पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, और रिपोलराइजेशन तो तब होना जब हमारे पास जो उसके मायोसाइट के आसपास ब्लड वेसल्स हैं वहां से आयंस फ्लो करें इनसाइड द सेल। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होती है अंदर वाली वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं तो फ्लो ऑफ आयंस ब्लड से मायोसाइट के दरम्यान में नहीं होता, जबकि जो पेरिकार्डियम है वहां की जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होती, वो रिलैक्स्ड होती हैं क्योंकि वो मायोकार्डियम के अंदर इंट्रैप नहीं हुई होती, तो वहां पे ब्लड फ्लो होता है और वहां से एक्सचेंज ऑफ आयंस हो सकता है ब्लड से इनसाइड द मायोसाइट। तो रीपोलराइजेशन का प्रोसेस फिर इसलिए एपिकार्डियम से शुरू होता है एंड इट मूव टूवर्ड्स द एंडोकार्डियम। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है इम्पोर्टेंट चीज QT इंटरवल, जो कि स्टार्ट ऑफ QRS से लेके एंड ऑफ टी वेव तक होता है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये वेंट्रिकल की पूरी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को शो करता है, यानी उसमें डीपोलराइजेशन भी होती है और उसमें रीपोलराइजेशन भी होती है। जो QT इंटरवल है वो हार्ट रेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए हमने जब भी इसको कैलकुलेट करना है तो करेक्टेड QT निकालना है। और QTC आप किन लीड्स में देखते हो? लीड 2 में देख सकते हो, लीड V5 में और लीड V6 में। अच्छा जी, इंटरवल और सेगमेंट में फर्क क्या होता है? जो इंटरवल है उसमें एटलीस्ट एक वेव जरूर होनी चाहिए, जैसा कि PR इंटरवल जो कि स्टार्ट ऑफ E से लेके स्टार्ट ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स तक है तो उसके अंदर P वेव आ रही है। सिमिलरली QT इंटरवल जो कि स्टार्ट ऑफ QRS से लेके एंड ऑफ टी वेव तक है तो उसमें QRS कॉम्प्लेक्स भी आ रहा है और टी वेव भी आ रही है, जबकि जो सेगमेंट है उसके अंदर कोई वेव नहीं आनी चाहिए। PR सेगमेंट जो कि आइसो इलेक्ट्रिक लाइन पे होता है जो कि एंड ऑफ टी वेव से लेके स्टार्ट ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स तक होता है। सिमिलरली ST सेगमेंट आइसो इलेक्ट्रिक लाइन पे है जो कि एंड ऑफ QRS से लेके स्टार्ट ऑफ टी वेव तक होगा, तो सेगमेंट के अंदर कोई वेव नहीं आती, जबकि इंटरवल मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन वेव।
इंटरवल की अबनॉर्मेलिटी को अगर आप बताओगे तो आप वो बताओगे या तो ये लॉन्ग है या शॉर्ट है, ठीक है, टाइम के यूनिट में हम उसको बताएंगे। जबकि सेगमेंट की अबनॉर्मेलिटी को आप बताओगे तो बताओगे या तो ये एलिवेटेड है या डिप्रेस्ड है, उसकी डेविएशन बताएंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये तो वेव्स की बात हो गई, मॉर्फोलॉजी की बात हो गई। उसके बाद आता है जब भी आपने ईसीडी देखनी है, पहले पेशेंट का नाम देखना है कि उसी पेशेंट की ईसीडी है जो कि आपके सामने है, और फिर आपने कैलिब्रेशंस देखनी है कि स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन पे ईसीडी हुई भी है या नहीं, और उसके बाद आपने देखना है कि रिदम कैसा है, रेगुलर है या इरेगुलर है। रेगुलर रिदम क्या होता है कि आर आर इंटरवल, यानी कि एयर एक आर वेव से लेके अगली आर वेव तक के दरमियान वाला जो इंटरवल है, अगर वो फिक्स्ड है इसका मतलब है कि रिदम रेगुलर है, अगर वो वेरिएबल है तो इसका मतलब है कि रिदम आपका इरेगुलर है। इसको आप देखते कैसे हो कि आप एक पेपर स्ट्रिप लेते हो, उस पे आप उसको जो QRS कॉम्प्लेक्सेस है उसकी पीक पे रखते हो, और उन दो तीन कंजक्टिव QRS कॉम्प्लेक्सेस की पीक को आप उस पेपर पे मार्क कर लेते हो। फिर उस पेपर को आप ECD के स्ट्रिप के ऊपर मूव करो, अगर बाकी QRS कॉम्प्लेक्सेस भी उन्हीं मार्क्स के ऊपर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि रिदम रेगुलर है, और अगर बाकी QRS कॉम्प्लेक्सेस उस मार्क को फॉलो नहीं करे इट मीन्स के रिदम इज इरेगुलर। देन कम्स द रेट। रेट कैसे कैलकुलेट करना है, उसके दो तरीके हैं कि अगर रेगुलर रिदम है उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे और अगर इरेगुलर है तो उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर तो रिदम रेगुलर है तो हम देखेंगे कि एक आर आर इंटरवल के अंदर कितने लार्ज स्केयर्स हैं, फिर हम 300 को उस नंबर ऑफ लार्ज स्केयर्स इन आर आर इंटरवल से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास रेट आ जाता है। या फिर अगर आर आर इंटरवल के अंदर पूरे पूरे लार्ज स्केयर्स नहीं आ रहे तो आप स्मॉल स्केयर्स काउंट कर लेते हो, और फिर 1500 को नंबर ऑफ स्मॉल स्केयर्स इन आर आर इंटरवल से डिवाइड कर देते हो तो आपके पास रेट आ जाता है। ये फॉर्मूलाज आपने तब अप्लाई करने हैं जब आपका रिदम रेगुलर होगा। अगर आपका रिदम इरेगुलर है फिर क्या करेंगे कि एक 6 सेकेंड की लंबी लीड टू की स्ट्रिप निकालेंगे, 1 सेकेंड के अंदर 5 लार्ज स्केयर्स होते हैं तो 6 सेकेंड के अंदर कितने लार्ज स्केयर्स होंगे, 30 लार्ज स्केयर्स। तो 30 लार्ज स्केयर्स की आप एक स्ट्रिप निकालोगे, उसके अंदर आप नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्सेस को काउंट करोगे और उनको आप 10 से मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो आपके पास हार्ट रेट इन मिनट आ जाएगा, ठीक है। ये एक और तरीका है जो हम लोगों ने याद कर लिया होता है कि अगर दो आर आर इंटरवल के दरमियान एक लार्ज स्केयर का डिस्टेंस है तो 300 का रेट होगा, अगर दो लार्ज स्केयर्स उसके अंदर आ रहे हैं तो 150 का रेट होगा, अगर तीन लार्ज स्केयर्स आ रहे हैं तो 100 का रेट होगा, और अगर चार लार्ज स्केयर्स आ रहे हैं तो 75 रेट होगा, और अगर पांच लार्ज स्केयर्स आ रहे हैं तो वो 60 बीट्स पर मिनट होगा। ये जब ECDs देखते रहते हैं तो आपको याद हो जाता है। इसके बाद आ जाता है एक्सिस। एक्सिस के लिए एंथोवन्स ट्रायंगल के थ्रू एक्सिस निकाला जाता है, और उस ट्रायंगल को मद्देनजर रखते हुए फिर एक सर्कल ऑफ एक्सिस हम निकाल लेते हैं जिसके अंदर लीड्स की डायरेक्शंस हमें पता चल जाती हैं। तो ये सर्कल ऑफ एक्सिस भी आपने याद करना होता है, उसमें आपको पता चलेगा कि जो लीड वन है वो 0 डिग्री पे है, AVL -30 डिग्री पे है, लीड टू +60 डिग्री पे है, AVF +90 डिग्री पे, थ्री लीड जो सी है वो +120 डिग्री पे है, और AVR है जनाब आपका -150 डिग्री पे, और नॉर्मल एक्सिस जो है आपका समवेयर बिटवीन -30 डिग्री टू +90 डिग्री। निकालने का तरीका, आप एग्जैक्ट एक्सिस निकाल सकते हो, उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन टू बी ऑन द सिंपलर साइड मैं इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगी, आपको किसी और लेक्चर में आपको समझा दूंगी कि एक्सिस कैसे निकालते हैं प्रिसाइसली। लेकिन अगर आपने रफली निकालना हो तो उसका क्वाड्रेंट मेथड है, या अगर आपने लीड वन देखनी है और लीड AVF देखनी है,
अगर लीड वन के अंदर जो मेजर पोर्शन ऑफ क्यूआरएस कम्प्लेक्स है वो पॉजिटिव है और लीड एवीएस के अंदर भी मेजर पोर्शन ऑफ क्यूआरएस कम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो आपका एक्सेस नॉर्मल होगा। अगर लीड वन के अंदर क्यूआरएस कम्प्लेक्स पॉजिटिव है और एवीएफ के अंदर नेगेटिव है तो वो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगी। अगर लीड वन के अंदर नेगेटिव डायरेक्शन में है क्यूआरएस कम्प्लेक्स और एवीएफ के अंदर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो उसको हम राइट एक्सिस डेविएशन कहेंगे। और अगर दोनों ही लीड्स के अंदर क्यूआरएस कम्प्लेक्स की डायरेक्शन नेगेटिव है तो उसे हम एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन कहेंगे। ठीक है, अच्छा जी, नाउ कम टूवर्ड्स साइनस रिदम। साइनस रिदम हम किसको कहते हैं? साइनस रिदम वो रिदम होता है जो कि साइनस नोड से जनरेट होता है। अब ईसीजी देख के हमें कैसे पता चलेगा कि जो रिदम है वो साइनस नोड से आ रहा है? तो इसके लिए दो चीजें होना जरूरी है। एक तो ये कि हर क्यूआरएस कम्प्लेक्स से पहले पी वेव आ रही हो और लीड वन और लीड टू के अंदर पी वेव मस्ट बी अपराइट, यानी कि उसका जो मेजर पोर्शन है वो पॉजिटिव तरफ होना चाहिए, बेसलाइन से ऊपर की तरफ होना चाहिए। सो व्हेन एवरी क्यूआरएस कम्प्लेक्स इज प्रीसीडेड बाय पी वेव एंड पी वेव इज अपराइट इन लीड वन एंड लीड टू, तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये साइनस रिदम है, यानी कि रिदम इज बीइंग जनरेटेड फ्रॉम द साइनस नोड, दैट इज द नॉर्मल एक्टिविटी। अगर तो पी वेव की डायरेक्शन नेगेटिव होती है तो वो फिर हम साइनस रिदम नहीं कहेंगे, वो फिर किसी एट्रियल फोकस से रिदम जनरेट हो रहा होगा या किसी और फोकस से जनरेट हो रहा होगा। ठीक है जी, तो टू लेबल इट एज अ साइनस रिदम, जो भी आप ईसीजी लिखते हो, लेबल कर रहे होते हो, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हो, तो आपने ये लाइन लिखी हुई लिखते हो कि नॉर्मल साइनस रिदम, तो साइनस रिदम आप ऐसे ही नहीं बोल देते जब तक कि आपके पास हर क्यूआरएस कम्प्लेक्स से पहले पी वेव ना हो और वो वन और टू में अपराइट ना हो, तो आप उसको साइनस रिदम नहीं बोलोगे। ठीक है, अच्छा जी, अब ये ईसीजी है जस्ट फॉर प्रैक्टिस। इसके अंदर आप तो अगर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो तो देखो हमारे पास ऊपर से नीचे अगर देखें तो लीड वन टू थ्री है, उसके बाद लीड एवीआर। अच्छा, एवीआर के अंदर नॉर्मली तीनों वेव्स जो हैं हमारी वो नेगेटिव होती हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल फेनोमेना है, बाकी सब के अंदर हमारी वेव्स पॉजिटिव होती हैं। एवीआर के नीचे आपको एवीएल नजर आ रही होगी और उसके नीचे एवीएफ है, फिर वी वन वी टू वी थ्री एंड देन वी फोर वी फाइव वी सिक्स। वन टू थ्री एवीआर एवीएल एवीएफ आपके लिम्ब लीड्स हैं और वी वन से वी सिक्स तक आपकी प्रिकॉर्डियल लीड्स हैं। अब इस ईसीडी में देखें कि हर क्यूआरएस कम्प्लेक्स से पहले पी वेव आ रही है और वो पी वेव लीड वन और लीड टू के अंदर अपराइट है। इट मीन्स दिस इज द नॉर्मल साइनस रिदम। फिर आप देखोगे कि जो आर आर इंटरवल है वो फिक्स्ड है, इट मीन्स कि ये रेगुलर रिदम है। फिर आप देखो कि इसका एक्सिस क्या है, लीड वन के अंदर क्यूआरएस कम्प्लेक्स अपराइट है और लीड एवीएफ के अंदर भी क्यूआरएस कम्प्लेक्स अपराइट है, इट मीन्स कि ये एक नॉर्मल एक्सिस है। अब वेव्स की मॉर्फोलॉजी देख लो, पी वेव आपकी 2.5 स्मॉल स्केयर से छोटी है लेंथ में भी और विड्थ में भी, तो ये नॉर्मल पी वेव है। क्यूआरएस कम्प्लेक्स आपका 3 स्मॉल स्केयर से छोटा है तो ये नॉर्मल क्यूआरएस कम्प्लेक्स है। और एसटी सेगमेंट आपके सारे आइसो इलेक्ट्रिक लाइन पे हैं, कोई डेविएशन नहीं है, इट मींस के कोई एसटी एलिवेशन या डिप्रेशन भी नहीं है। टी वेव आपकी लिम्ब लीड्स के अंदर 5 स्मॉल स्केयर से छोटी है और प्रिकॉर्डियल लीड्स के अंदर 10 स्मॉल स्केयर से छोटी है, इट मींस के आपकी टी वेव भी नॉर्मल है। रेट की बात करें अगर तो आप देखोगे कि इसके अंदर दो आर आर इंटरवल के अंदर ऑलमोस्ट 5 लार्ज स्केयर्स आ रहे हैं, तो 300 को डिवाइड करोगे 5 से तो ऑलमोस्ट 60 का हार्ट रेट होगा। तो आपको जब भी ईसीडी दी जाएगी आप कैसे उसको इंटरप्रेट करोगे, दिस इज द ईसीडी ऑफ पेशेंट एक्स वाई जी डन एट नॉर्मल कैलिब्रेशन शोइंग नॉर्मल साइनस रेगुलर रिदम
with the rate of 60 beats per minute with normal morphology of all the waves and normal intervals and segments and normal frontal axis. ठीक है. So this is the little bit all about the normal ECG. Hope so इस लेक्चर के बाद आप ECG को इंटरप्रेट करना सीख जाओगे कि नॉर्मल ECG क्या है. फर्दर लेक्चर्स में आपको मैं आपको हर वेव्स की एबनॉर्मेलिटीज बताऊंगी और किन कंडीशंस में वो आती हैं. वो एबनॉर्मेलिटीज मैं आपको इंशाल्लाह तो वो बताऊंगी. मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल है या आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझसे ज़रूर पूछो. और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें. थैंक यू.